जिंदगी क्या है, सफर ही तो है। और सफर करते हुए आपने सड़क के किनारे लगे हुए माइलस्टोन्स या मील के पत्थरों को जरूर देखा होगा, जिन पर किसी एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच की दूरी किलोमीटर्स या माइल्स में लिखी होती है। भारत में इन मील के पत्थरों को लगाने की अवधारणा कोई नई नहीं है। दरअसल मध्यकाल में शेरशाह सूरी ने सर्वप्रथम शाही सड़क के किनारे, जिसे वो जीटी रोड या ग्रैंड ट्रंक सड़क भी कहता था, छोटी छोटी मीनारें बनवाना प्रारंभ किया। ये मीनारें किसी नियत स्थान की दूरी बताती थीं और मध्यकाल में दूरी मापने की इकाई कोस कहलाती थी, सो इन मीनारों को कोस मीनार नाम दिया गया। बाद में मुगलों ने इस चलन को जारी रखा और अपने राज्य के अनेक मार्गों पर कोस मीनार बनवाए। उदयपुर सीकरी जाते हुए हमें रास्ते में एक ये स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये जो आप देख रहे हैं, ये कोस मीनार है। ऐसा इतिहास में कहा गया है कि शेरशाह सूरी ने पहले इसको बनवाना चालू किया। ओके। लेकिन इतिहास बताते हैं कि अकबर और जहांगीर ने एक कोस मीनार से दूसरी कोस मीनार की दूरी 1.8 किलोमीटर की होती है। इसमें और भी मीनारे होती है जो 3 और 6 के बीच में होती है, जो अपने जीटी रोड और पंजाब में देखने को मिलेंगे। ये मीनारे यहाँ से लेकर आपको पंजाब तक देखने को मिल जाएंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बेसिकली मैं आपको बताता चलूंगी, कोस मीनार जैसे आज का माइलस्टोन होता है, जो कि दूरी बताने का एक पैमाना होता है, वैसा ही कुछ ये मध्यकाल में भारत में व्यवस्था थी।